भक्ति सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास है जो दिव्य के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की भावना से जुड़ा होता है। यह एक उदार आत्मिक भावना है जिसमें व्यक्ति अपने ईश्वर, परमात्मा या देवता के प्रति भक्ति और समर्पण में रमता है। भक्ति का मतलब है कि आपके भीतर हर उस चीज़ के लिए प्रेम की भावना है जो आप देखते हैं और जो आप नहीं देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति मार्ग तीन आध्यात्मिक मार्गों में से एक है जिस पर गहराई से चर्चा की गई है। अन्य है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, जिनके विषय में हमने अपनी पिछली वीडियोस में विस्तार से चर्चा की। भक्ति के मूल में होती है अज्ञेय के प्रति श्रद्धा, भक्ति यानी समर्पण। कोई प्रश्न नहीं, किंतु परंतु नहीं, जैसे मीराबाई की भक्ति और प्रहलाद की भक्ति। ज्ञानी एक जलते हुए दीपक के समान है जो रोशनी तो करता है लेकिन अहंकार नाम की आंधी उसे बुझा सकती है, पर भक्ति एक मणि की तरह है जो रोशनी भी करता है और उसे कोई बुझा भी नहीं सकता। भक्ति मार्ग में योगी एक व्यक्तिगत ईश्वर, चाहे वह किसी भी रूप में हो, एक आकार या निराकार ईश्वर के साथ एक प्रेमपूर्ण समर्पित संबंध विकसित करता है। परंपरागत रूप से भक्ति मार्ग किसी गुरु या देवता के प्रति समर्पण है। योगी अपनी सारी ऊर्जा, अपनी इंद्रियां, मन और भावनाएं दिव्य प्रेम और परम वास्तविकता के साथ एक होने के प्रयास में समर्पित कर देता है। भक्ति का मुख्य उद्देश्य दिव्य के साथ एकता की अनुभूति और इसे मुक्ति की ओर अग्रसर करना है। भक्ति का अर्थ न केवल पूजा या आराधना है, बल्कि एक सात्विक और प्रेमपूर्ण भावना है जो व्यक्ति को दिव्य से जोड़कर उसकी सेवा करने की प्रेरणा प्रदान करती है। भक्ति के रूपों में कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि साकार भक्ति जिसमें व्यक्ति देवता की मूर्ति की पूजा करता है, और निराकार भक्ति जिसमें भक्त निराकार ब्रह्म की प्रेमपूर्ण भावना के साथ रमता है। जब आप किसी चीज या व्यक्ति से अभिभूत होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से भक्त बन जाते हैं, लेकिन यदि आप भक्ति का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं तो यह समस्या पैदा करती है, क्योंकि भक्ति और धोखे के बीच रेखा बहुत पतली है। यह आपको कई प्रकार के मति भ्रम में ले जाएगी। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ एक विवेकशील व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है।